मैं हूँ शिपाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। तो अगर आपको भी डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने के लिए क्योंकि आपके सप्लायर का रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो फिर ये वीडियो आपके काम की है। काफ़ी सारे नोटिसेज बल्क में इशू किए जा रहे हैं इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे सप्लायर्स का रेट्रोस्पेक्टिवली रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। तो वैसे में सवाल ही पैदा होता है कि हम लोग क्या करें, क्या डिफेंसेस दें इस केस में। तो इसमें जो सबसे पहला डिफेंस है वो आपके लिए ये है कि ये जो कंडीशन है ये 16 सेक्शन के अंदर जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए, तो दे आर मल्टीपल कंडीशंस, जिनमें से कि आपकी ये कंडीशन है कि आपको गुड्स रिसीव हो गए हैं, सर्विसेज रिसीव हो गई हैं, आपके पास इनवॉइस हो, रिटर्न आपने अपनी फाइल कर दी हो, सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया हो, आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया हो, 2B के अंदर वो रिवील हो रहा हो, वो सारी की सारी कंडीशंस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इन सारी कंडीशंस में ना ही तो किसी सेक्शन की और ना ही किसी रूल की, किसी भी कंडीशन में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके रजिस्ट्रेशन जो है सप्लायर का वो रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल ना हुआ हो। तो किस सेक्शन के, किस प्रोविज़न के अंदर आप मुझसे ITC रिवर्स करने के लिए बोल रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये बताएं, यानी कि मेरे को ITC रिवर्स करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं इस कंडीशन के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा जो मेरे लिए डिफेंस है वो क्या है, ये कि मैंने जो रजिस्ट्रेशन लिया था सप्लायर ने वो आपने उसको दिया था और जो प्राइमरी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके पे करने की GST एक्ट की स्कीम के हिसाब से वो सप्लायर पे दी गई है, ना कि रिसिपिएंट पे। तो आपका जो प्राइमरी एक्यूज्ड है वो सप्लायर है, तो उसको छोड़ के आप मेरे पास नहीं आ सकते। तो पहले आपको 100% कोशिश करनी चाहिए सप्लायर से टैक्स वसूल करने की, क्योंकि मैंने उसको पेमेंट किया है, उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट गया है, आप उसका बैंक अकाउंट अटैच करो, उसका ट्रेल फाइंड आउट करो कि उसके बैंक अकाउंट से निकल के पैसे कहाँ पे गए हैं। यू हैव कंप्लीट इंटेलिजेंस, आपके पास AI है, पूरा इंटेलिजेंस है, तो आप उसके पीछे पड़ो, उससे पता लगाओ कि पैसे कहाँ पे गए हैं। लेकिन आप उसको बीच में छोड़ के मेरे पास आ रहे हो कि मैं अपना ITC रिवर्स करूं। तो आपने भाई जो प्राइमरी लाइबिलिटी दी थी मुझसे कलेक्ट करके डिपॉजिट करने की, वो आपने उसको दी थी, मैंने नहीं दी, और आपकी उस लाइबिलिटी के कारण मैंने अपना टैक्स बजाय आपको देने के सीधे उसको दिया है। तो फिर अब आप उसके नॉन परफॉर्मेंस के लिए मुझे कैसे लाइबल हेल्ड कर सकते हैं, तो ये आपका सेकंड हो सकता है। इसके बाद फिर थर्ड चीज़ आती है, एक प्रिंसिपल लेक्स नॉन कोजिट एट इम्पॉसिबिलिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी इंसान को ऐसा काम करने के लिए कहना जो उसके लिए संभव ही नहीं है। तो वो अगर आप किसी लॉ में लिख दोगे तो अपने आप ही वॉइड है, क्योंकि जो पॉसिबल नहीं होगा कर कैसे सकता है। अब आप बोलोगे इसमें पॉसिबिलिटी की फैक्टर कहाँ से आ गई, पॉसिबिलिटी की फैक्टर ऐसे आ गई कि मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल 2017 को या 1 जुलाई 2017 को किसी से परचेज किया कोई सामान, ठीक है, अब 5 साल के बाद आपने उसका पिछली डेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो उस डेट में यानी कि 5 साल पहले मुझे ये कहाँ दिखाई दे रहा था कि आप इसका रजिस्ट्रेशन पिछली डेट में कैंसिल कर दोगे? तो मैं कोई फ्यूचर तो देख नहीं सकता, कोई भी फ्यूचर नहीं देख सकता। तो कोई इंसान किसी एक पर्टिकुलर डेट में कैसे पता लगाया कि फ्यूचर में इस बंदे का रेट्रोस्पेक्टिवली रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा? तो पहले तो ये भी एक सवाल है, क्या रेट्रोस्पेक्टिवली रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया भी जा सकता है कि नहीं, और अगर आप उसे कर रहे हो तो उसमें मेरी लाइबिलिटी कहाँ से आ गई? ये आपके सप्लायर और डिपार्टमेंट के बीच की चीज़ है, तो जो फ्यूचर में होने वाला है वो मेरे लिए संभव ही नहीं है। मैंने तो अपनी ट्रांजेक्शन की और उसको पेमेंट कर दिया, तो फिर उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर है कि मुझे अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसकी जेन्युइनिटी प्रूव करनी है। उसके लिए आप जितने भी एविडेंसेस ला सकते हैं, इसके अंदर गार्गो ट्रेडर्स का एक केस है, ईकॉम कॉफी गिल्स का एक केस है, जहाँ पे बोला गया है कि सप्लायर अगर अपनी जेन्युइनिटी प्रूव कर सकता है, यानी कि आपको पता लगाना है कि आपके पास क्या क्या एविडेंसेस है और यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग काम आएगी। तो अब 5 साल बाद आप नेचुरल सी बातें सिर्फ डिफेंस दोगे तो वो आपकी अकाउंटिंग और डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे होगा। गुड्स के मूवमेंट के लिए जब ऑर्डर प्लेस किया गया था उसका PO, उसको मूवमेंट किया था तो ट्रक की रिसीट, उसको जो बिल रेज किया था वो बिल, उसका पेमेंट ट्रांसपोर्टेशन का भी, ठीक है, उसके बाद जहाँ से वो गया था टोल नाके से उसकी रिसीट, उसके बाद आपने जो उसको पेमेंट किया उसका प्रूफ कि मैंने सप्लायर को पेमेंट किया, तो वो सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करके रखनी चाहिए। जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वाउचिंग। उसके अंदर होती है कि आप एक पूरा बंच बनाते हो वाउचर के साथ, सारी चीज़ें लगाते हो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। जब इनिशियली मैं ऑडिट करती थी तो मैं हमेशा ये बोलती थी अच्छा ट्रांजेक्शन में इतने सारे वाउचर लगाने की क्या जरूरत है कि जहाँ की जो भी रसीद है इससे रिलेटेड सारी लगा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको अब कम आएगी जो आपने डॉक्यूमेंटेशन अपनी प्रॉपर की हुई होगी। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि सप्लायर ने अगर अल्टीमेटली टैक्स पे नहीं किया है गवर्नमेंट को तो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग सिनेरियो में आ जाता है। लेकिन जहाँ पे सप्लायर ने टैक्स पे कर रखा है तो यहाँ पे एक डबल टैक्सेशन का भी पॉइंट क्रिएट होता है कि आपने सप्लायर से भी टैक्स ले रखा है और उसका रजिस्ट्रेशन भले आपने कैंसिल कर दिया, उसने रिटर्न फाइल की तो टैक्स तो पे किया ना, और अब आप वो टैक्स दोबारा मुझसे भी मांग रहे हो, तो ये तो डबल टैक्सेशन हो गया और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अलाउ नहीं करता।
क्योंकि अथॉरिटी ऑफ लॉ सिर्फ सिंगल टैक्स के लिए है। आप वैल्यू एडिड टैक्स आपने बनाया है तो उसका मतलब है कि आप हर किसी से सिर्फ उसके वैल्यू एडिशन पे टैक्स लोगे। तो आपने अगर पहले टैक्स ऑलरेडी ले लिया है सप्लायर से, तो फिर मुझसे टैक्स दोबारा से लेने का आपको कोई राइट ही नहीं बनता लॉ के अंदर। तो इसमें कुछ जजमेंट्स भी थे जो मैंने आपको कोट किए हैं, इसके अलावा भी कुछ जजमेंट है जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। आई होप वो सब के सब आपको काम आएंगे। और इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।